नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्रेयस विद्यालय हिंदी माध्यम कक्षा 8वीं विषय विज्ञान, जिसमें हमने पार्ट 2 की शुरुआत की थी। चलिए अब हम उसके आगे की जानकारी लेते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि पर्यावरण का शुद्धिकरण, आपने विद्यालय के माली को देखा, देखने के पश्चात पहली ओर बूझो, दूसरे विद्यार्थियों ने घरों व बगीचे से पत्तियां एवं फल सब्जियों का कचरा एकत्रित कर उसके निपटाने के लिए बनाए गए गड्ढे में डाला। कुछ समय बाद इसका विघटन होने से खाद में परिवर्तित हो गया। पहली एंड बूझो जानना चाहते हैं कि वह किस प्रकार से हुआ। अब आप देखिए कि विघटन का मतलब क्या हो जाता है, जो भी कचरा हम डालते हैं तो वो विघटित, मतलब कि उसमें परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। क्या आपको दोनों गमलों की वस्तुओं में कोई अंतर दिखाई दिया? यदि हाँ तो क्या अंतर परिलक्षित होता है? आप देखेंगे कि गमला ए के पादप अपशिष्ट का अपघटन हो गया। यह कैसे हुआ? सूक्ष्म जीवों द्वारा पादप अपशिष्ट का अपघटन कर उसे खाद में बदल दिया जाता है। इस प्रकार में बनने वाले पोषक पौधों, मतलब क्या होता है कि किस तरीके से परिवर्तन होता है। तो क्या गमले ए के पादप में अपशिष्ट का अपघटन कर दिया जाता है, वो कैसे हुआ? तो जो सूक्ष्म जीव है उनके द्वारा वो अपघटन हो गया था। अब देखिए, पुनः उपयोग के लिए क्या आप ध्यान दिए गए गमले बी की पॉलीथीन की थैली, कांच की थैली, बोतल एवं खिलौने के टुकड़े, टूटे हुए टुकड़ों में इस प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। सूक्ष्म जीव उन पर क्रिया करके खाद में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, सूक्ष्म जीव उसमें जो क्रिया होती है उसके बाद में उसके खाद में कोई भी परिवर्तन हमें देखने को नहीं मिलता। आप अक्सर बड़ी मात्रा में मृत जीवों को सड़ते हुए पादप व कभी कभी सड़ते हुए जंतुओं के रूप में भी देखते हैं। आप देखते हैं कि कुछ समय बाद वह विलुप्त हो जाते हैं और इस मुख्य कारण है सूक्ष्म जीव मृत जैविक अपशिष्ट का अपघटन कर उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देता है तथा अन्य पौधे एवं जंतुओं द्वारा पुनः उपयोग कर लिया जाता है। तो किस तरीके से उनका पुनः उपयोग होता है, अब देखिए। इस प्रकार से हानिकारक एवं दुर्गंधयुक्त पदार्थों का निम्नकरण करने के लिए हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके पर्यावरण का शुद्धिकरण भी करते हैं। तो क्या करते हैं, हम इनका उपयोग कर उनका शुद्धिकरण भी करते हैं। तो किस प्रकार से होता है देखिए, तो जो दुर्गंध वाले पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं, जिससे हमें क्या हो जाती है, नुकसान भी देखने को मिलता है। तो हानिकारक जो सूक्ष्म जीव होते हैं जो क्या करते हैं, मनुष्य को रोग देते हैं। जैसे सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार से हानिकारक हो सकते हैं, जैसे कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतु एवं पेड़ पौधों के लिए जैसे रोग उत्पन्न करते हैं। जैसे रोग उत्पन्न करने के लिए वाले ऐसे सूक्ष्म जीवों को रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं तथा कुछ सूक्ष्म जीव भोजन, कपड़े एवं चमड़े की वस्तुओं को संदूषित कर देते हैं। तो आप जानते हो कि ऐसे कुछ सूक्ष्म जीव भी हमें देखने को मिलते हैं, तो क्या करते हैं, वह उसे भी दूषित कर देते हैं। देखिए, आज हमने पर्यावरण का शुद्धिकरण किस तरीके से करते हैं, उसका निपटान क्या होता है, उसके बाद हमने देखा कि कौन कौन से परिवर्तन देखने को मिलते हैं, और उसके बाद में हमने देखा कि हानिकारक सूक्ष्म जीव जो क्या करते हैं, हमें नुकसान पहुँचाते हैं। चलिए।